एक गांव में एक धनी सेठ रहता था। वह बहुत दयालु था। उसका पूरा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित हुआ था। और उसके अंतिम समय निकट आ गया। उन्हीं दिनों में उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा कि मेरे अंतिम समय नजदीक है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। और अपने बेटे को एक कोयले का और एक चंदन का टुकड़ा लाने को कहा। बेटे को थोड़ा अटपटा लगा, पर पिताजी का हुक्म था इसलिए वह सब ले आया। एक हाथ में कोयला और दूसरे हाथ में चंदन ले आया। पिताजी ने बोला कि अब उसे नीचे फेंक दो, और उसने फेंक दिया। वो हाथ धोने के लिए जाने ही वाला था कि सेठ बोला, रुको बेटा। फिर उसने कहा कि मुझे हाथ दिखाओ। जिस हाथ में कोयला पकड़ा था वह काला हो गया था। फिर उसने कहा कि देखा, कोयले को पकड़ते ही वह हाथ काला हो गया है, और उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिख रह गई है। इसी तरह गलत लोगों की संगति भी उसी तरह होती है। उसके साथ रहकर भी दुख होता है, और उनके साथ न रहकर भी जीवन भर की बदनामी लग जाती है। दूसरी और सज्जनों की संगति चंदन की खुशबू की तरह है, जो साथ रहते हैं तो हमें अच्छा ज्ञान मिलता है, और दूर रहने पर भी उसके विचारों की महक जीवन भर रहती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही रहना चाहिए।